हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। आज हम लोग इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जानेंगे इसके बेसिक कंसेप्ट को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने के लिए एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको जान लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या। इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के इंटरैक्शन को, केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी हर वो चीज जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ये सारे सब्जेक्ट मैटर जिस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, जिस थीम के अंदर पढ़ना है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जो हम लोगों को इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये देखें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये डेली लाइफ पर्पस में आपको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, फिर हम लोग इसके बेसिक थीम की तरफ बढ़ते हैं। तो जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे खुद आपके बॉडी में, यानी ह्यूमन बॉडी में आप देखेंगे कि कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है सेल से ब्रेन, या ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है आपके सेल या टिश्यूज को। ये जितने सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं इन सब के पीछे जो चीज वर्कआउट होती है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित होती है। उसका ओरिजिन, उसका कंटेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। उसी तरह से सेल के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसे भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। बहुत सारे मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, नॉन मेटल्स जैसे क्लोरीन, कुछ कंपाउंड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब जितने के जितने सब्सटेंस हैं, इनका जो एक्सट्रैक्शन है, प्रोडक्शन है, वो सब के सब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंतर्गत ही होता है। साथ ही साथ आपने सुना होगा स्टैंडर्ड 10th क्लास में, अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता था जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के लेयर को चढ़ा दिया जाता था, जैसे गैल्वेनाइजेशन, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग को कर देना, उसी तरह से एनोडाइजिंग एल्युमिनियम की कोटिंग को चढ़ा देना। ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस इसके अंतर्गत है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है स्टूडेंट्स। इन द सिमिलर वे आप एक बहुत कॉमन फिनोमेना अपने लाइफ में देखते हैं, वो क्या है, जंग का लगना, रस्टिंग। ये जो रस्टिंग है जानते हैं क्या, रस्टिंग इटसेल्फ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उन सब के बैकग्राउंड में जो चीज वर्क करती है, जो थीम है, जो उसका बेसिक स्टडी क्राइटेरिया है, कैसे उसको जानेंगे कि वो क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब जिस सब्जेक्ट मैटर में पढ़ना है वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी लिबरेट हुआ उस केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज देना है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को लीड करने में। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेसिक क्राइटेरिया। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्राइटेरिया में जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है उससे जो केमिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी इसमें क्या हुआ, ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ और वो केमिकल रिएक्शन से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया। केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया गया। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस को लीड करना शुरू किया। यानी इसकी मदद से हम उस केमिकल प्रोसेस को करवा सकते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसे प्रोसेस, ऐसे रिएक्शंस जो खुद से नहीं होते हैं, अपने से नहीं होगा बल्कि उसको करवाना पड़ेगा। उसको करवाने के लिए हमने जो एजेंट डाला, जो चीज का इस्तेमाल किया, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाएंगे। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया उस केमिकल एनर्जी से
जो कहां से प्रोड्यूस हुआ, केमिकल रिएक्शन से। कैसे केमिकल रिएक्शन से, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। तो देखा आपने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को लीव कराते हुए हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस क्राइटेरिया तक पहुंच गए थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली ओवरऑल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी का आपस में कोरिलेशन है, इंटरैक्शन है। उनकी स्टडी के बारे में जो भी चीज पढ़ना है वो सब किसके अंतर्गत आएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। इतनी बात आप समझ गए। अब एक और बात देखिए, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल है, जरा भी आप अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम आपको इसके बेसिक कंसेप्ट को और कैसे आगे पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को वो बताएंगे। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना कैसे है, उसको पढ़ने की तैयारी के लिए बहुत सारी चीजों को बतलाना है। इसलिए कि आप वो सारी चीजों को अगर नहीं जानेंगे तो आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए बहुत ध्यान दीजिए कि केमिकल रिएक्शन किसी जगह, जिस कंटेनर में, जहां भी ये परफॉर्म होगा, उस कंटेनर को, उस स्पेस को, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जिस जगह भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगा, जिस कंटेनर में परफॉर्म कराएंगे, उसे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे हम लोग नाम देंगे सेल। क्या नाम देंगे, सेल। अब यही से बात शुरू होगी। ये जो सेल है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या नाम दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरे को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बहुत ही ध्यान से बात को समझिए, दोनों में डिफरेंस है, फर्क है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मोस्ट ऑफन इसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल के नाम से भी जानते हैं, जो आपके बुक में गैल्वेनिक सेल के टॉपिक से दिया हुआ भी है। तो गैल्वेनिक सेल एक हो गया और एक हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये क्या है, सेल वो जगह होगा जहां पे केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटरेक्शन परफॉर्म करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है, आप देखिए इतनी बात जब समझ गए तो आगे आते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, छोटा सा बेसिक क्राइटेरिया सीखिए और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केमिकल एनर्जी में। बात को ठीक से समझिए, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका इनपुट है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है, यानी ये जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराया जाएगा जो, तो इसमें जो चीजें होंगी, जो केमिकल एनर्जी आया कहां से आया बता चुके ऊपर में कि ये केमिकल एनर्जी कहां से आता है, ये केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उससे आता है। तो ये जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुआ, इसमें जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो उससे आया होगा। तो जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो कैसे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कराएगा, हम बता चुके हैं इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराया जाता है। यानी इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो कैसे थे, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थे, जिनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके परफॉर्म करवाया गया, जो एनर्जी रिलीज होगी फिर वो प्रोसेस आगे लीड करेगा। अच्छा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसका जो डेल्टा जी होगा वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। हम लोग थर्मोडायनामिक्स में डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिटेल में जान चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह से अब यहां जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन यानी के केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होगी, यानी केमिकल एनर्जी ये इनपुट होगी और इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ गए, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है, इसमें गैल्वेनिक सेल में
केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट है, केमिकल एनर्जी इनपुट है। यहां क्या था, यहां आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है और केमिकल एनर्जी इसका क्या है, आउटपुट है। यहां केमिकल एनर्जी इनपुट है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट है। इससे जो बात आपको पता चल रही है वो क्या, इसका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो ठीक से समझिए, वो क्या है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो केमिकल रिएक्शन अपने आप होते हैं यानी स्पॉन्टेनियस होते हैं। इनको परफॉर्म कराने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा ये, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हमने इसमें क्या लिखा है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, कैसा रिएक्शन होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होंगे, रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे। अब क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है तो जो स्पॉन्टेनियस होगा उसके लिए आपका जो डेल्टा जी होता है वो क्या होता है, निगेटिव। इतना बेसिक बात, इतना बेसिक क्राइटेरिया ठीक से समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए ले लिया आपने, अब देखिए। तो ये जो आपको बात बतलाई गई इसको भूलना नहीं है, बिल्कुल लास्ट तक टिल एंड, जब हम आपको गैल्वानिक सेल पढ़ाएंगे, जब हम आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाएंगे तो इसका यूज रहने वाले हैं। अब देखिए कुछ लोगों को इसमें जो टर्म्स आए हैं जैसे रेडॉक्स रिएक्शन, इन सब पर प्रीवियस क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो सब बता दिए गए हैं, 11 के टॉपिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन वो आपको बता दिया गया है, लेकिन कुछ बेसिक चीज जिसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी बस उतना उतना बात यहाँ पर आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो अब हम लोग एक बात डिस्कस करते हैं इसके रिडॉक्स रिएक्शन के सेंस पर, जिस जिस चीज की जरूरत होगी बस उतना ही। तो चलिए रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग जाने कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन का क्राइटेरिया है उसको हम लोग जानने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बेसिक पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, आपको मालूम है, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो हेडी लगा दीजिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके कंसेप्ट को, खास करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को अपने सब्जेक्ट मैटर में यहां पास रखेंगे। देखिए ये हो गया आपका, एक कॉलम में आप लिख लें ऑक्सीडेशन और एक कॉलम में आप लिख लें रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब मिलता है तो क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब सिंपल सिंपल फॉर्म में टॉपिक वाइज जो भी जरूरत है जल्दी जल्दी नोट करते हैं, इसमें क्या होगा आपका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऐड होगा, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन किया और किस चीज का फॉर्मेशन हो गया, MgO। तो आप देख सकते हैं मैग्नीशियम क्या हो रहा है, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो इसलिए क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन से रिएक्ट करता तो क्या बन सकता था, MgCl2। यहां देखिए क्या हुआ, एडिशन ऑफ क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बॉन्ड बनाने के क्रम में, बॉन्डेड सिस्टम में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो ज्यादा खींचेगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जो कम खींचेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका एडिशन हो गया किसमें, मैग्नीशियम में, इससे प्रोसेस क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक हो गया आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये सब बेसिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप पढ़ चुके हैं, यहां से आप एक ग्लिम्स देख लीजिए, जैसे CH4 उसको रिएक्शन कराया गया ऑक्सीजन से, क्या बन गया, CO2+H2O। तो ये कार्बन में देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, हट गया, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का क्राइटेरिया है। तो ये एक क्लासिकल थ्योरी है ऑक्सीडेशन, उसी का अपोजिट क्या लिख सकते हैं,
यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ क्या हो रहा है गैसी का अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन का इसमें रिमूवल हो जाए जैसे मैग्नीशियम मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है 2Hg+O2 में देखिए ऑक्सीजन यहाँ एडेड था इधर जब ये गया रिएक्शन के बाद तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ रिमूव हो गया इसलिए ये एक रिडक्शन प्रोसेस का केस है। उसी तरह से दूसरा कंटेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं इसमें दूसरा क्राइटेरिया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एक सिंपल एग्जांपल है इसका CH2 इथीन का हाइब्रिडाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम देखिए ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह पे ऐड हो जाएगा देखते हैं आप क्या हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को तो क्या कहेंगे रिडक्शन कहेंगे लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो इस चैप्टर में हम लोगों को जरूरत है वो क्या है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका यूज हम लेने वाले हैं। तो एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन दूसरा हो गया आपका उसी तरह से बिल्कुल रिडक्शन इसमें क्या होगा इसमें होगा आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा ऑक्सीडेशन और जिस प्रोसेस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल देखिए जैसे सपोज कर लीजिए कि जो भी मेटल्स हैं फॉर एग्जांपल सोडियम तो सोडियम क्या करता है अपने लास्ट के एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है जिनके लास्ट में 1, 2, 3 रहेगा वो जनरली लॉस करेंगे तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया देखिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया इस पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव तो ये क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हो गया। उसी तरह से अगर क्लोरीन है आपके पास जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 के फॉर्म पे जब इसके लास्ट में 7 है एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा तो इसने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया एंड इट फॉर्म्स हियर नेगेटिव क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आप जान सकते हैं। यही बात एक बात और जान लीजिए प्रोसेस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एजेंट में एजेंट इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ प्रोसेस यानी अगर प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो एजेंट क्या आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट तो ये एजेंट में रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको समझने के लिए एक चीज और आप लिख लें रिड्यूसिंग एजेंट हर वो स्पीशीज होगा विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या ये कह सकते हैं डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा वो क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट प्रोसेस का अपोजिट एजेंट। उसी तरह से यहां क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए आप थिंक क्या समझेंगे इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है ये एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इससे आप उसके एजेंट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट तो एक चीज और इसमें जो है कभी कभी ऐसा होगा कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन परफॉर्म ही ना हो तो अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन परफॉर्म नहीं होगा तो आपको लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं चलेगा जैसे कि कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में होता है तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट फेल कर जाएगी। तो एक और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है उस पर इसमें बात होगी और वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखिए तो अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट इसी का यूटिलाइजेशन हम लोगों को इसमें आएगा।
देखिए ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेप को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो रूल आप इसका नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, इसकी इसका यूज हम लोगों को इसमें बहुत आएगा। तो पहला क्राइटेरिया जानिए, पहले क्राइटेरिया में क्या होगा, एटम्स इन फ्री और एलिमेंटल स्टेट, फ्री और एलिमेंटल स्टेट, अगर कोई एटम एलिमेंटल स्टेट में है या फ्री स्टेट में जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है पाया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हैज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका यह हुआ जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर के सेट के फॉर्म में, फास्फोरस P4 के फॉर्म में, कॉपर को Cu के फॉर्म में, सो एंड सो जितने हैं ये सब अपने एलिमेंटल स्टेट में हैं जो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। दूसरा रूल देखिए क्या है, दूसरे रूल में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप वन को क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, क्या होगा, +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 2 जिनको क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। थर्ड नंबर में एल्युमिनियम, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +3। फोर्थ नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O2 इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड, ज्यादातर कंपाउंड में जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -2। जनरली कुछ एक्सेप्शन जो वो क्या है, वो है कि इन पर ऑक्साइड, अगर पर ऑक्साइड हो जाए जैसे H2O2, Na2O2, सोडियम पर ऑक्साइड, इसमें क्या होता है, -1। उसी तरह से एक चीज और होती है जिसे हम लोग सुपर ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड कहते हैं, तो सुपर ऑक्साइड का केस अगर होगा तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगा। तो नेक्स्ट में उसका जो एक्सेप्शन केस है वो है सुपर ऑक्साइड का, तो सुपर ऑक्साइड का देख लीजिए, सुपर ऑक्साइड के केस में, इन सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, RbO2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा उसका, -1/2। रूल नंबर फाइव मोनोवैलेंट आयन, यानी अकेला आइटम पर चार्ज है, सिंगल आइटम पर चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज। जैसे एग्जाम्पल Cl- पर -1 हो जाएगा, जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। उसी तरह से Fe2 पॉजिटिव, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +2, Fe2 पॉजिटिव। अब यहां पर एक बात और जान लीजिए, चार्ज में और ऑक्सीडेशन स्टेट के लिखने में एक रूल बनाया गया है, जब आप चार्ज लिखे एलिमेंट के ऊपर तब नंबर पहले लिखेंगे और साइन बाद में देंगे, ये चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसके ऊपर शो करना रहेगा तो आप पहले साइन लिखेंगे और तब डिजिट लिखेंगे, तब वैल्यू लिखेंगे, तो ये आप याद रखेंगे। तो सिंगल एलिमेंट रहेगा तो उसके चार्ज के वो बराबर हो जाएगा, जैसे कोबाल्ट +3 तो +3, ठीक है, चार्ज लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे चार्ज को, आप कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, इस तरह से सिंगल एलिमेंट पर जो चार्ज होता है वही उसका क्या हो जाता है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। रूल नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन -1 ऑलवेज, हमेशा इसका वैल्यू कितना होगा, -1 ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अनदर हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हैलाइड के केस में है, हैलाइड के केस में है तब क्या होगा, -1। बट इन ऑक्सो एसिड और ऑक्सोन आयन, इसमें ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ अनदर वैल्यू भी हो सकता है, पॉजिटिव विथ डिफरेंट वैल्यूज,
डिफरेंट वैल्यूज, बट क्लोरीन फ्लोरीन का आप हमेशा याद रखेंगे कितना होता है -1, क्योंकि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। रूल नंबर 8, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, वैल्यू में जो भी होगा अलग बात है लेकिन वो निगेटिव होगा, क्योंकि ये कंपैरिजन नहीं करेगा, जो मोर नेगेटिव उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव। वैल्यू क्या होगा कैसे कैलकुलेट करना वो भी थोड़ी देर में आपको बताया जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। एंड नाउ सपोज कर लीजिए आपको टोटल एलिमेंट मिला करके एक कंपाउंड या रेडिकल्स कुछ भी बना के दिया गया, तो अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कैसा न्यूट्रल, तो टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा उसके लिए जीरो हो जाएगा। तो एक रूल और हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का क्या होता है +1, लेकिन इसका एक्सेप्शन है, बट इन मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड प्लस, मेटल हाइड्राइड -1, जैसे सोडियम हाइड्राइड, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, इन सब ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, सोडियम क्या है ग्रुप वन का है, ग्रुप वन के लिए हमने यहां बता दिया क्या है ऑलवेज +1, तो टोटल के लिए न्यूट्रल कब होगा जब इस पर क्या हो -1, ताकि टोटल न्यूट्रल कर दे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाए। अब इन सिखाएंगे आपको कि कैसे इसको फाइंड आउट करना है। चलिए ये हो गया आपका। अब एक चीज और जान लीजिए, समटाइम्स आपको वैसा मिलेगा इन OF2, उसको रटनी की जरूरत नहीं है, फ्लोराइड के केस को आपको बता दिया गया फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन का -1, ऑक्सीजन का नहीं पता है, एक्स फॉर्म को सपोज कर लीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में आप, 2 1 2 -2 प्लस ऑक्सीजन का नहीं पता है एक्स इज इक्वल टू, न्यूट्रल मॉलिक्यूल था चार्ज 0, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा +2। तो फ्लोरीन का आपको याद होना चाहिए, उसके साथ ऑक्सीजन जब आएगा तो आप इसको आसानी से फाइंड कर लेंगे OF2 का, उसी तरह से O2F2 पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको अपने से फाइंड करके देख लीजिए किसका कितना आता है। एंड नाउ अब जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है 10 रूल के बाद इसको सॉल्व करने के लिए, नोट में आप उसको लिख लें क्या, टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होगा 0 होगा, एंड फॉर चार्ज्ड आयन, अगर वो आयन है चार्ज है उसके ऊपर तब क्या होगा इज इक्वल टू, तो उसका टोटल सम किसके इक्वल होगा, इक्वल टू चार्ज ऑन देम, उसके चार्ज के इक्वल होगा। अब कैसे इसको फाइंड करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सपोज कर लीजिए आपको दे दिया गया KMnO4 और उसमें हम आपको कहते हैं Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कीजिए, कैसे फाइंड करेंगे आप, जो नोन है उसको उसके ऊपर सजाएंगे, जो अननोन है उसको एक्स सपोज कर लीजिए। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में ये सारी बातें क्लियर करके बताती गई है, लेकिन सिर्फ इसलिए बता दिया गया है कि जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है, जिन लोग जो लोग अभी अभी नए नए इसमें जुड़े हैं वो जान जाए, ये सारी चीजें प्रीवियस क्लास की है, उतनी ही इंफॉर्मेशन बताया जाएगा जितने की यहाँ हम लोगों को जरूरत है। तो ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने का एक रूल है, कैसे फाइंड करेंगे बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि आपको इसको निकालना आ जाए, आगे चैप्टर में हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, तब आप अगर इसको नहीं जानेंगे तो आपको लेक्चर समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को सीखने के लिए ये बिल्कुल आना चाहिए। ध्यान से सब लोग देखिए, ये पोटेशियम group 1 +1 यहाँ देखिए रूल में आपको बता दिया गया, Mn आपको नहीं पता है एक्स, ऑक्सीजन जनरल कंपाउंड में -2, जब तक के एक्सेप्शन ना आ जाए जैसे उधर सिखाया गया। अब टोटल मॉलिक्यूल क्या था, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था, उसका सम क्या हो जाएगा 0, तो 1 + x - ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 8 = 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना गया Mn का +7। सो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक और देखिए SO4 2 निगेटिव, देखिए जब नंबर पहले लिखा जाए और चार्ज का वैल्यू यहाँ जो साइन है वो बाद में लिखा जाए तो ये चार्ज कंसीडर किया जाएगा। अब इसका फाइंड करना आपको सल्फर का, देखिए एग्जांपल 2 है, ये सल्फर का फाइंड करना है, नहीं पता है एक्स। अब ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है, ऑक्सीजन का जनरली -2, देखिए फर्क समझिए, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है, दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर, और ये क्या है, दिस इज
वैल्यू ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गया? चार्ज जब लिखेंगे तो नंबर पहले लिखेंगे, साइन बाद में लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जब लिखेंगे तो पहले साइन रहेगा तब नंबर रहेगा। बहुत ही ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं और एक तरह से सबको लिखने चले जाते हैं, बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है वो। यही सही कंसेप्ट है, बिल्कुल कंसेप्ट सही से बना लीजिए आप अपना। आप यहाँ देखिए एक्स माइनस, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर न्यूट्रल रहता तो जीरो, चार्ज है तो चार्ज के बराबर। दैट्स इट, क्या हो गया बोलिए, प्लस सिक्स। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। एनसीईआरटी का बुक खोलिए, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसमें जाइए, रिडॉक्स चैप्टर खोलिए और इस तरह के जितने क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व कीजिए। क्यों? एक बात और सिर्फ बता देते हैं, देखिए ये जो आपको बताया गया ये सब हम कहां यूज करने वाले हैं, यही वो क्राइटेरिया है जिसमें एन फैक्टर का कैलकुलेशन होगा, जो इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना है। नहीं आएगा एन फैक्टर नहीं निकाल सकेंगे, ना आपसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑक्सीडेशन नंबर से सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से खोल के या रेफरेंस बुक से खोल के जहां से भी मिले उसको सॉल्व कर लीजिए। हमने भी आपको जो पढ़ा दिया है उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं सॉल्व करने के लिए, उसी को रिविजन कर लीजिए ताकि हम लोग इसको यूज कर सकें। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसको गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें हम लोग गैल्वेनिक सेल स्टार्ट करेंगे और बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रियल में उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप सारे सारे कंसेप्ट को ठीक से दिमाग में हटा लीजिए, अदरवाइज यू डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो टिल देन गुड बाय।